नमस्कार, नमस्कार। मैं जमजीर अहमद 33 साल का हूँ। मैं जमीला रूही 26 साल की हूँ और हम मैंगलोर से बिलोंग करते हैं। शख्स, हम लेकर आए हैं एक ऐसा बिजनेस जिसपे आपको मिलेगा कुनाफा के साथ मुनाफा। हम कुनाफा वर्ल्ड के को फाउंडर्स हैं। मीठा खाना किसको नहीं पसंद है, और खासकर इंडिया में इतने सारे त्योहार जैसे कि ईद, दिवाली, क्रिसमस मनाए जाने के कारण हर घर में मीठा तो बनता है बॉस। और जब मीठे की बात हो तो हमेशा रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बूंदी लड्डू, रबड़ी, ये सब खाए जाते हैं। हम आपको पेश करते हैं एक नया डेजर्ट जिसका नाम है कुनाफा। शख्स, कुनाफा एक मिडल ईस्टर्न डेजर्ट है जो फाइन सेमोलिना डो से बनाया जाता है और जिसको हम शुगर सिरप के साथ सर्व किया जाता है। कुनाफा एक 100% वेज डेजर्ट है और कुनाफा वर्ल्ड में आपको 15 से ज्यादा वेराइटीज के कुनाफास मिलेंगे, जिनमें आपको मिलेंगे स्निकर्स कुनाफा, बाउंटी कुनाफा, ओरियो कुनाफा, नटेला कुनाफा, असॉर्टेड मिनी कुनाफा, बहुत सारे कुनाफास। हमारे कुनाफास में जो क्रीम जाता है वो बहुत हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। इसे हम हमारा सीक्रेट सॉस कहते हैं और जिसकी रेसिपी सिर्फ मेरे पास है। उनके पास भी नहीं है। हमारे पास 2 सालों में हमने 2 लाख से ज्यादा कुनाफास बेचे हैं। हम चाहते हैं कि अगले कुछ सालों में हर रोज 10,000 से ज्यादा कुनाफास बेचे जाए। हम यहाँ पे आपसे 5% की इक्विटी के बदले में 90 लाख की मांग करने के लिए आए हैं। तो कौन गर्मा गर्म कुनाफास खाना चाहता है और कुनाफा को इंडिया का नया डेजर्ट सेंसेशन बनाना चाहता है, तो शख्स कुछ कुनाफास हो जाए प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू। मुझे मीठा बहुत पसंद है। कितने किस्म के कुनाफे लाए हो आज? अभी तो फिलहाल हम लोग 15 से 3 कुनाफास को एसॉर्टेड बना के आपको खिला रहे हैं। थैंक यू। क्यों, ये क्या है? दिस सिरप है? यस। शुगर सिरप? यस। इसको सिरप को इसके ऊपर डालते हैं कि साइड में? ऊपर डालते हैं, जितना आपकी मर्जी, जितना आप स्वीट चाहते हो उतना डाल सकते हैं। यूजुअली चॉकलेट टॉपिंग्स में हम ज्यादा सिरप नहीं डालते। तो मैंने तो जिंदगी में पहली बार खाया है ये। This was delicious. Thank you so much. Thank you so much. Fantastic taste. Very good. Thank you so much. इसको वो टर्किश एक डिजर्ट होती है, वैसी टाइप की है ना? इसका ओरिजिन टर्की से ही होता है सर। जो हमने आपको सर्व किया है वो हमारे ब्लेंड से हुआ है, थोड़ा ट्वीक करके हमने कुनाफास बनाए हैं। क्योंकि जो मिडल ईस्ट में सर्व करते हैं बहुत स्वीट रहता है, जिसको बैलेंस करने के लिए कॉफी या उसके साथ पिया जाता है। ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई? तो बेसिकली क्या हुआ कि 2018 में जब मैं लंच पे बैठा था तो मैडम ने मुझे डेजर्ट खिलाया। तो मैडम बहुत पैशनेट बेकर है। मैडम मतलब क्या? माय वाइफ रूही। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर। माय वाइफ रूही। क्योंकि मैं भी अपनी वाइफ को मैडम ही बोलता हूं। रिस्पेक्ट देना पड़ता है। थैंक यू सो मच। तो रूही ने जब मुझे ये डेजर्ट खिलाया, कभी भी मैं खाया नहीं हूँ कुनाफा और कभी भी सुना भी नहीं था। तो मैं थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग और फूड में थोड़ा एंथुसियास्ट था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा गूगल उसमें सर्च किया। तो मैं देखा कि गूगल में इंडिया में तो बहुत कम है, ये इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तो मैं सोचा इसमें थोड़ा पोटेंशियल रहेगा। तो सिंस मैं थोड़ा सोशल मार्केटिंग में अच्छा था, मैं इनको मैडम को आइडिया दिया कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में इसको बेचने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो हमने ब्रांड स्टार्ट किया बेक एंजल बोल के, होम बेकिंग सर्विस। कब? ये 2018 में जुलाई में हम लोग स्टार्ट किया। एक बार लोगों ने जो ट्राई किया, दे स्टार्टेड बिकमिंग रिपीटिंग कस्टमर। देन हमारा एक करीबी दोस्त हफीज कुदरली है, तो उन्होंने एक आइडिया लेके आया, चलो हम लोग इसको कमर्शियल बनाएं। तो उन्होंने हमारे साथ पार्टनर बनके हम लोगों ने साथ में बैंगलोर में हमारा फर्स्ट आउटलेट हमने स्टार्ट किया। और उसके सक्सेस के बाद 3 और आउटलेट हमने बैंगलोर में स्टार्ट किया। और उसके सक्सेस के बाद 5 और आउटलेट बैंगलोर से बाहर हमने पूरे इंडिया में स्टार्ट किया। अब ये कुनाफा से मुनाफा आप दोनों फुल टाइम कर रहे हैं? यस मैम, ये अभी हमारा फुल टाइम है। आई एम अ टेलीकॉम इंजीनियर एंड शी इज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। तो जमजीर, काफी फटाफट आप बिजनेस को स्केल कर रहे हैं, अभी क्या प्लान क्या है? हम लोगों का विजन है पैन इंडिया के लिए, बाद में ग्लोबली आल्सो वी वांट टू गो। हालांकि ग्लोबल में बिकता है कुनाफास, लेकिन हमारा ब्लेंड अलग ही है। तो एक स्टोर का कैसा यूनिट, मतलब स्टोर की जो कितना बनाते हैं और कितना रेंट होता है और कॉस्ट ऑफ रनिंग होता है? अराउंड 600-800 स्क्वायर फीट का स्टोर रहता है। इतना और बड़ा स्टोर? हाँ, क्योंकि वो जो फ्लैगशिप स्टोर, 5-10 ही SKU है, इतना बड़ा स्टोर क्यों खोल रहे हैं? वो फ्लैगशिप स्टोर है मैम, हम लोग लाइव ऑफिस जैसे उसको देखते हैं। हम लोगों को उधर से बनाना पड़ता है डेली, डे टू डे बेसिस, ताकि हमारा नजदीक जो तो वहीं पे किचन है आपका? करेक्ट मैम, सब में अलग। जहाँ पे हमने पहले स्टार्ट किया तो पहले इन द स्टोर था, अभी हमने जिसे एक्सपेंड किया हमारा सेंट्रल किचन भी हमने बनाया। अगर सेंट्रल किचन है तो आपको 600-800 स्क्वायर फुट की क्या जरूरत? सर, जो हमारा फ्लैगशिप स्टोर था ये उतना बड़ा था।
बाकी स्टोर कितने बड़े? बाकी स्टोर के साइजेस इज अराउंड 300 टू 500 स्क्वायर। आप सीटिंग देते हैं क्या वहां पे? बिठाते हैं लोगों को? एक 12 टू 15 सीटिंग, क्योंकि रेस्टोरेंट टाइप्स मॉडल। एग्जैक्टली, पहले से बना के रखते हैं इसे सेंट्रल किचन में और शिप कर देते हैं? नहीं सर, सेंट्रल किचन से हम लोग रॉ मटेरियल्स बना के बेचे हर एक आउटलेट के लिए। एवरीडे बेसिस हमारा उधर प्रिपेयर होता है द रॉ बेस, और जब ऑर्डर आता है उसके ऊपर हम लोग फ्रेश प्रिपेयर करके देते हैं। सो एवरीडे इज अ फ्रेश हम लोग खिलाते हैं कस्टमर्स को। तो ये मॉडल से तो मुनाफा तो नहीं हो रहा होगा आपको? हमारे खुद के आउटलेट जो है 4 है अभी, उसमें से 4.5 CR का रेवेन्यू। 2 साल का रेवेन्यू कि 1 साल का? जुलाई 2019 से अब तक, तो मार्च 2020 तक हमारा रेवेन्यू था 55 लाख, और अप्रैल 2020 से वो सेकंड फिस्कल का हमने 2 और आउटलेट डाला, फिर पैंडेमिक हुआ, 3 फ्रेंचाइजीज दिए थे, लेकिन हमारे खुद के आउटलेट में से 2 CR का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अभी मार्च 2021 से अब तक 1.7 CR का रेवेन्यू जनरेट। नॉट बैड, नॉट बैड। पिछले महीने का क्या सेल्स था और क्या पिछले महीने का हमारा सेल्स था 30 लाख। प्रॉफिट 30% नेट प्रॉफिट है, और अराउंड 50% का GPM। फ्रेंचाइजी से कुछ रेवेन्यू आया कि नहीं? फ्रेंचाइजी एक्चुअली हम लोग फ्रेंचाइजी फीस आए थे और रॉयल्टी भी आए थे, तो फ्रेंचाइजी फीस हमने वो साल कलेक्ट किया था। द सेकेंड ईयर में हमारा 17 लाख का फ्रेंचाइजी ब्रांड फीस आया है। इस साल अभी हमने 2 और फ्रेंचाइजीज दिए हैं मुंबई और मैसूर में, तो इस साल का ब्रांड फीस हमने जो कलेक्ट किया है वो है अराउंड 13 लाख, और रॉयल्टी 4.5 लाख का रॉयल्टी फीस आया है। समझे जमीला, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप फ्रेंचाइजी क्यों कर रहे हैं। मैंने थोड़े नंबर्स रन किए, आपको एक फ्रेंचाइजी से ज़्यादा 15-20 हज़ार रुपये महीने का आएगा, तो आप मुनाफा का खून क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक्चुअली सोच रहा था मुनाफा का मतलब ही होता है तो, और आपके मॉडल से वही होगा, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपया एक फ्रेंचाइजी क्या मायना रखता है? करेक्ट सर, एक्चुअली दोनों बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है सर। तो जब हमने ये स्टार्ट किया, तो पहला आउटलेट जब शुरू हुआ तो बहुत सक्सेसफुल गया, लेकिन ऐसा भी था कि बहुत सारे लोग इस सक्सेस को स्टार्ट करना चाहते थे, लाइक दे वांट टू कॉपी एंड डू द सेम थिंग, और दो लोग दे हैड स्टार्टेड आल्सो लुकिंग एट अवर द कॉन्सेप्ट। सिंस थोड़ा स्टार्टअप था, मैंने सोचा कि 2-3 फ्रेंचाइजीज अगर हम लोग देंगे तो एक ब्रांड जैसा बन जाएगा, एंड देन विल बी इजी फॉर अस टू फ्लोट अवर ओन डायरेक्ट। नहीं, वो तो सही है सोचना आपका, और आपने सही उस वक्त के लिए किया। Correct. लेकिन तब तक से समझ में तो आ गया होगा ना आपको कि उससे हम ज्यादा पैसा नहीं बना सकते, और अभी अभी आपने कहा जमीला शायद कि आपने रिसेंटली 2 और फ्रेंचाइजी किए हैं। हाँ। तो अगर समझ में आ गया कि वहाँ पैसे नहीं बनेंगे तो फ्रेंचाइजी बिजनेस क्यों बढ़ा रहे हैं? सर एक्चुअली समझ में आ रहा था सर, जस्ट दैट कि हम लोगों को एक प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए था सर, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपसे। कैपेक्स अपने आप जेब से डाले हैं 4 स्टोर में? हाँ। कितना डाला है? तो अभी तक हम लोगों ने 70 लाख तक डाले। तो बहुत महंगा है कैपेक्स, तो आप इसलिए आप नहीं कर पा रहे। एक्चुअली आपका जो अभी तक सक्सेस मिला है वो मिला है आपके रेस्टोरेंट में, जो एक उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट एक रेस्टोरेंट की काफ़ी होती है, बिकॉज एम्बियंस क्रिएट करना होता है। Correct. और एक रेस्टोरेंट में चैलेंज ये होता है कि अगर एक टाइप का फूड दे तो कंज्यूमर बियॉन्ड द पॉइंट बोर हो जाता है, बिकॉज रेस्टोरेंट में चाहते हैं जाके 2-2.5 घंटा स्पेंड करना। तो ये जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी, अ नैरो डिजर्ट कैटेगरी है, वो मुझे एज अ बिजनेस लगता है अभी इतना स्केलेबल नहीं है, क्योंकि जितना स्केल करना पड़ेगा उतना कैपेक्स डालना पड़ेगा, और जब नहीं चलता है तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से मैं बाहर हूं। मैं तो यही एडवाइस दूंगा आपको कि आप इसे एक स्विगी जोमैटो मॉडल पे ले जाइए, खर्चे कम से कम कीजिए। अच्छा, है ना? मैं आज आउट हूँ। इन्होंने जो एडवाइस दिया है कि रादर देन QSR एक डार्क किचन मॉडल पे जाइए, कस्टमर्स रिव्यू लाइए, रेडी टू ईट का भी काफी, इफ यू कैन गेट द टेक्नोलॉजी, गेट द शेल्फ लाइफ, दिस इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट जो आप रिटेल आउटलेट्स ऑनलाइन पे कोलैबोरेशन करके, यू नो, इट कैन बिकम अ बिग ब्रांड। बट करंट फॉर्म मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है, और उसके वजह से मैं आउट हूं, बट ऑल द वेरी बेस्ट। वन मोर थिंग सर, एक्चुअली इसके साथ हम लोग एक्चुअली बेवरेजेस भी ऐड करने वाले हैं। मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। लेस इज मोर, फोकस फोकस। मैं भी अपना फैसला सुना देती हूँ।
ये खा के मुझे उतना मजा नहीं आया. Okay. मुझे लगा ये बहुत ज्यादा मीठा था, इवन मेरे लिए जिसको मीठा पसंद है. मैं उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जहाँ मुझे प्रोडक्ट समझ आता है, जहाँ मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगता है. तो उस वजह से मैं आउट हूँ.